झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने पिलोद गांव में 28 अगस्त को विवाहिता की मौत के मामले का खुलासा करते हुए विवाहिता के पति सुरेंद्र सिंह, ससुर करण सिंह और देवर वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोद गांव में विवाहिता की मौत के मामले में पियर पक्ष की ओर से दहेज हत्या को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। पियर पक्ष की रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड का गठन कर विवाहिता का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान विवाहिता के सिर में बुलेट मिली। इसके बाद पुलिस ने विवाहिता के पति सुरेंद्र सिंह, ससुर करण सिंह और देवर वीरेंद्र सिंह को राउंड अप कर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि विवाहिता के सिर में गोली मारकर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए सड़क दुर्घटना का रूप देने को लेकर जिनी रोड पर कार ले जाकर एक्सीडेंट किया गया। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना सूरजगढ़ में दिनांक 28/8 को रात को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। सूचना देने वाले मृतका के सुसाल पक्ष के लोग थे, जो मुलजिम भी है। बाद में जो जानकारी में आया अनुसंधान से, इन्होंने एक्सीडेंट की इतला दी। इस पर पुलिस ने वहाँ मौके पर गई तो मृतका जो विपनेश है, वो उसके पति सुरेंद्र सिंह और 3-4 साल की बच्ची थी, हॉस्पिटलाइज कराया गया। डॉक्टरों ने उसके पति को रेफर कर दिया झुंझुनू, और उनके फादर को बुलाया गया, परिवारजनों को। तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम तो कहीं बाहर फंक्शन में गए हुए थे और ये इस प्रकार से पीछे से कोई ये हो गया होगा, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। दूसरे दिन मृतक के परिजनों को बुलाया गया, बताया गया, तो उन्होंने शक जाहिर किया कि साहब ये पिछले शादी 2014 में होने के बाद से इतने परेशान कर रहे हैं, हमें इन पर हत्या का शक है। तो हमने मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम कराया गया, तो मृतक के सिर में बुलेट मिली, तो शक वास्तविकता में बदल गया। फिर हमने जो मुलजिम सुरेंद्र सिंह था, जो यहाँ झुंझुनू एडमिट था, उसको राउंड अप किया, और दोनों जो बाकी इसके पिता और भाई है उनको भी राउंड अप किया, इनसे गहनता से अनुसंधान किया। तो कहानी इस प्रकार से निकल के आई कि इन लोगों ने पहले सुरेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या करी, और उन्होंने इसको छिपाने के लिए दुर्घटना का रूप दिया, और एक्सीडेंट दिखाने के लिए गांव सूरजगढ़ रोड पर आए और झिणी रोड पर सूरजगढ़ की तरफ, और वहाँ इसको दिखा दिया। इस प्रकार पुलिस ने बड़ी बुद्धिमत्ता से और गहनता से अनुसंधान करके और इस घटना का पर्दाफा मतलब वारदात का पर्दाफाश किया है। अदरवाइज इन लोगों ने तो छिपाने का बहुत प्रयास किया गया था। मतलब उसके पिता तक ने टेक्निकल साक्ष्यों में उनका तक का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तब जाकर के शिकायत बढ़ी। इसमें गिरफ्तार तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान कर रहे हैं, आगामी जो भी होगी अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट करेंगे। उनका जालेऊ गाँव है चूरू जिले में, वहाँ के है उनके पिता है सुजान सिंह जी, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उस पर अनुसंधान दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। बुलेट जो मिली थी सर, वो हथियार मिला है क्या? वो अब अनुसंधान से हम उसको रिकवर करेंगे, सब वो अनुसंधान से कंप्लीट करेंगे।